बिहार विधान परिषद के लिए सभी 7 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इसमें राजद की मुन्नी देवी रजक भी शामिल हैं। मुन्नी देवी दलित हैं, वो कपड़े धोने का काम करती हैं। उनके अलावा राजद के अशोक कुमार पांडे और कारी सुहेल भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। दरअसल मुन्नी देवी चर्चाओं में हैं। उन्हें जब राजद ने टिकट दिया तो देश भर में उनकी चर्चाएं होने लगी। मुन्नी देवी के विधान परिषद के सदस्य बनने के बाद राजद ने दावा किया है कि वो सही मायनों में दलितों, दबे कुचलों के साथ ही सामान्य लोगों की पार्टी है। खुद मुन्नी देवी की माने तो उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो अब MLC बन गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुन्नी देवी पर पहली बार लालू प्रसाद यादव की नज़र बख्तियारपुर में पड़ी थी। उस समय मुन्नी देवी राजद के समर्थन और NDA सरकार के विरोध में मंच से एक गाना गा रही थी। जब लालू यादव चारा घोटाले के मामले में रांची में सजा काट रहे थे और उनका रिम्स में इलाज चल रहा था, उस समय भी मुन्नी देवी उनसे मिलने पहुंची थी। वो लालू यादव से मिलना चाहती थी लेकिन अधिकारियों ने उन्हें नहीं जाने दिया। इन सब के बीच बात करते हैं राजद की दलित MLC मुन्नी देवी की संपत्ति के बारे में। नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे के अनुसार मुन्नी देवी रजक के पास 15 लाख रुपए की अचल और 8 लाख रुपए की चल संपत्ति है। उन्होंने 6,60,000 रुपए का लोन भी लिया है। उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है। मुन्नी देवी 150 ग्राम से ज्यादा सोना और 1 किलो चांदी की मालकिन है। इसके अलावा उनके पास 35,000 रुपए की नकदी भी है। उनके पति के पास 54,793 रुपए हैं, जबकि उनके बड़े बेटे के पास 58,435 रुपए की संपत्ति है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।